भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी इन दिनों खासतौर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। उम्मीदवार कई हैं, मगर कल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष डूंगरपुर ने अजहरुद्दीन के कप्तानी का ही समर्थन किया, जबकि कपिल जैसे कई पूर्व क्रिकेटर मानते हैं कि अब क्रिकेट का रूप बदल चुका है और ऐसे दौर में अजय जडेजा जैसे आक्रामक कप्तान टीम के लिए ज्यादा फायदेमंद होंगे। कुछ पूर्व खिलाड़ियों की नजर में सौरव और कुंबले भी इस पद के महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं। टीम की कप्तानी का मुद्दा इस विश्व कप में हमारी टीम की विफलता के बाद विशेष रूप से सामने आया है। विश्व कप में हमारी टीम की कई कमजोरियां खास तौर पर सामने आईं। हमारी गेंदबाजी समय पर नहीं चली तो कई बार निचले क्रम के बल्लेबाजों ने मैच को आसानी से विपक्षियों की झोली में डाल दिया। कुल मिलाकर एक दो मौकों को छोड़कर हम एक टीम की तरह कभी भी दूसरी टीम के लिए एक सशक्त चुनौती नहीं बन पाए। अब यह सही वक्त है आत्मविश्लेषण का और अपनी कमियों को दूर करने का। साथ ही क्या यह ज्यादा सार्थक नहीं होगा कि इस समय हम एक कप्तान से ज्यादा पूरी टीम के पुनर्निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित करें।